मौत की तारीख पता चल चुका है उनको। तो उनको जब पूछा गया, ये जब लोगों को पता चल जाता मौत इतनी नजदीक है तो लोग आखिरकार बोलते क्या है, बोले 100 में से 99 लोग जब पता चल जाता है कि मौत की डेट 2, 3, 4, 6 महीने में है तो सब लोग एक बात कॉमनली बोलते ही है। बहुत सारे अफसोस की बात करते हैं, परिवार की बातें करते हैं, अच्छे यादों की बातें करते हैं, लेकिन एक बात सब लोग किया करते थे कॉमन, बोले क्या? ये सारे लोग जब पता चल जाता है मौत की डेट नजदीक है, एक अफसोस सबकी गला में होता था। क्या वो अफसोस? एक लाइन सब लोग बोलते थे कि जिंदगी में जो बनना चाहा उसकी कभी कोशिश ही नहीं किया। फिर बता रहा हूं, जिंदगी में जो उसकी कभी किसी ने ऐसा नहीं बोल रहा, जिंदगी में जो बनना चाहा वो नहीं बन पाया, ना बन पाने की अफसोस नहीं है। अगर अफसोस है तो किस चीज की? किस चीज की? कोशिश नहीं करने की। सब ये बोलते अगर मैं जो चाहता था बनना, अगर कोशिश करता नहीं कर पाता तो मान लेते ये मेरे नसीब में नहीं था। I have tried but I could not. But maximum लोगों को क्या था? कोशिश नहीं किया यार, और डेट आ गई दुनिया छोड़ने की। ये अफसोस। हम लोगों के पास पूरी जिंदगी है, 20, 21 साल, 19 साल, 18 साल में स्मार्ट मैनी नहीं है। शादी करने की पहले 5-7 साल लाइफ है, शादी से पहले ऊपर वालों आपको बोल रहा है बेटा जी ले अपनी जिंदगी। क्यों? घर में मम्मी होटल, पापा रेस्टोरेंट खुली हुई है, पापा लॉज, बिस्तर रेडी है, चावल रेडी है ना। लेकिन शादी के बाद बदल जाएंगे। शादी से पहले आशिकी टू और शादी के बाद वास्तव टू। यस और नो? शादी से पहले एक ही ग्रीटिंग कार्ड में काम चल जाता है, कितने दूर तेरे को ना देखो चैन नहीं आता है, नींद नहीं आता है। और शादी के 5 साल बाद तेरे पास रहूं तो सला नींद नहीं आता है। शादी से पहले वो मेरी चंद्रमुखी, 5 साल के अंदर धूप इतना निकलते हैं, उसके खर्चे पानी इतना बढ़ जाता है, हस्बैंड पूरा नहीं कर पाता है, बीबी रेडियो मिर्ची चालू रखते हैं तो 5 साल के अंदर वो बच जाता है सूर्यमुखी, और 10 साल तक ज्वालामुखी। जिन आशिकों ने अपनी 10 साल की पुराने प्यार की महबूबा का साथ महबूब के साथ शादी किया है उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, ऑस्कर से नवाजा देना चाहिए। क्यों? जिससे प्यार किया उसी से शादी किया। अब उनको पूछो भाई साहब, ये जो प्यार किया 10 साल से शादी किया अब कैसी है जिंदगी? मेरे साथ सब बहन था, जिंदगी की कितनी कीमती वक्त इसमें गुजारा कर दिया। क्यों? शहर इतने महंगे हो गए, एक रेल बैंक पोस्ट ऑफिस स्कूल टीचर के लिए संभव नहीं है।
प्रॉपर दिल्ली में घर लेना, यस नो? यस सर। और 50 साल बाद और चेंज होगी, और 50 साल बाद लोग कानपुर से सरकारी नौकरी करेंगे तो कानपुर से लोग अलीगढ़ से दिल्ली आएंगे नौकरी करने, क्योंकि उससे 100 किलोमीटर के दायरे में भी रहना पॉसिबल नहीं होगा। महंगाई आपके हाथ में नहीं है, यस नो? खर्चे को कम करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन माल कमाना आपके हाथ में। यस यस यस। आदतों को सुधरे तो पैसे आने सुधर गए, ज्यादा पैसे आने लगे। ये हमारे सारे जो रोजगार हमारे अच्छे आदतों की फसल है। यस और नो? यस सर। रात को गर्लफ्रेंड से चैटिंग बंद की, स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग लेना शुरू की। हेलो, समझ आ रहा है? यस सर। आ रहा है? यस सर। पार्क में जाना कम कर दिए, पहले हफ्ते में 2 बार जाते थे, अब महीने में 1-2 बार भी टाइम मिला तो बोल दिया था टिकना है टिकले, नहीं तो कटले। क्यों? पहले मेरे को सक्सेस फील होने दे, सक्सेस नहीं होगा तो तू नहीं तेरा बच्चा भी सुनाएगा नालायक बाप। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? मेरी तुलना तो बाजू वाला घर का दूसरे की पति के साथ करेगा, वो तो बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए तेरा मर्जी। हेलो, समझ आया? तो दोस्तों, जैसे ही सिस्टम में ट्रेनिंग देने लगा, क्यों? दिन भर काम करो, प्लान छो, ट्रेनिंग, फीडबैक फॉलो थ्रू, तलवार को चलाओ दिन भर, और रात को आके तलवार को धार देनी है ना। और बेहतर प्लान छो, और बेहतर ट्रेनिंग। एक आदमी नौकरी में भी सेल्समैन से लेकर सेल्स मैनेजर, सर के एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर तभी बनते हैं जब उसकी क्वालिटी बढ़ते हैं। हमारे कंपनी में भी कोई सीईओ है 3-4 लाख रुपए सैलरी, हमारे कंपनी में भी कोई डिलीवरी बॉय है 10,000 रुपए सैलरी, इसी हमारे कंपनी में भी देख लो। हेलो, यस नो? यस नो। नौकरी में भी उसकी रोजगार काबिलियत के हिसाब से होती है, तो इस बिजनेस में भी आपकी पीन अपनी काबिलियत के अनुसार होगा। काबिलियत अगर एक ही जगह पे रख दोगे तो आप एक ही जगह पे रुक जाओगे, बल्कि गिर भी सकते हो। यस। इसमें दिन भर तलवार चलानी है और रात को धार देनी है, स्टडी करनी है, सीनियर की ट्रेनिंग्स फॉलो करनी है, वीडियोस देखनी है। तुम्हारा समझ आ रहा है? यस सर। ऐसे में करने लगा, डेवलप हो गया, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर होने लगे, मेरा लैंग्वेज जो हिंदी में नहीं बोल पाता था बेहतर होने लगे। इसलिए बंगाल से बिजनेस चला गया कर्नाटका, हैदराबाद बिजनेस। पहला घर खरीदने के लिए मैंने घर बार 4th साल में इनकम किया 11 लाख, घर बनाने के लिए 7-8 लाख। अगले साल आप मेरा लैंग्वेज भी बेहतर, प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर, पब्लिक स्पीकिंग बेहतर, 16 लाख रुपया अगले साल का इनकम। और उसी साल मैंने फॉरेन ट्रिप थाईलैंड भी चीज किया, 1200 पूरा बिजनेस शुरू हो गया। हेलो, समझ आ रहा है? आवाज आ रहा है? Yes, sir. अगले साल 27 लाख, मेरा पापा का सैलरी बढ़ता था, इस साल 2.5 लाख, 20,000 रुपये सैलरी, अगले साल 20,350। कितने खुश होते थे बेचारे जब डीए लगता था, डीए 10%, 5%, और यहाँ तक 100% से ज्यादा। पिछले साल 16 लाख, तो ऑलमोस्ट 27 लाख। हांगकांग का फॉरेन ट्रिप, छोटा सा भी आकार, ये भी अचीव कर लिए। अगले साल 2009-2010 45 लाख, अगले साल 61 लाख, 2010-11 61 लाख, 2011-12 72 लाख, 2012-13 79 लाख, 2013-14 86, 14-15 92 लाख, अगले साल 1,05,00,000, 2015-16 पहली बार 2004 में सिंगापुर गया, 2008 थाईलैंड, 2009 हांगकांग, 2010 दुबई इस्तांबुल, 2011 लंदन स्कॉटलैंड, अगले साल स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, ग्रीस, रशिया। हेलो, समझ आ रहा है? तालियां ऐसे दे रहे हो जैसे कि आई इंडोनेशिया के ट्रिप में पूरी हवाई जहाज में सिर्फ पूरी मेरे टीम के लोग बैठे हुए थे, 150-200 लोग। वो जब उपलब्धि कर रहे हैं, एक हवाई जहाज ऐसे स्मार्ट वैली के लिए 6 हवाई जहाज चले। ये फोटोग्राफ ये यूट्यूब में काफी सारे हैं, देख लीजिएगा। इसको राइट साइड में ऑस्ट्रेलिया का, लेफ्ट साइड में ये स्कॉटलैंड का कुछ फोटोग्राफ्स, मैं और सुरजीत अधिकारी, राइट, उसके पहले स्विट्जरलैंड, उसके पहले पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वीडियोस फोटोज बहुत है, आप लोग देख लीजिएगा। इनकम अभी तक इस सिस्टम में पैसा कितना कमाया नहीं बताऊंगा, 4.5 करोड़ रुपए टैक्स दे चुका हूं सरकार को, आप समझ लीजिए। तो इनकम टैक्स जीएसटी का एक घर है 50 लाख का, एक घर का दिया था 2.25 करोड़ रुपया था, उसका कीमत आज 3.5 करोड़ के ऊपर है। तीसरा घर है, राइट, विदेश यात्रा हुई है, अचीवमेंट हुई है, मम्मी को कम से कम 1.25 करोड़ की जेवर बनवा के दिए हैं, क्योंकि हर साल धनतेरस में बेचारे पापा को पूछता था, पापा को अगले साल, क्योंकि उनको लगता था अगले साल तनख्वाह
बढ़ेगा, लेकिन बेचारे को पता नहीं था तनख्वाह भी बढ़ेगा तो सोने की भाव भी तो बढ़ेगी। ये हो गया कछुआ और खरगोश की रेस। कछुआ हर बार सोचता है जीतेगा लेकिन जीत नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि अकेला मेहनत, अकेला काम, अकेले इनकम, और यहाँ पर चेन बिजनेस, देहाती भाषा में, जेंटलमैन की भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ भी कह लो, कहने में क्या है, यह सब है। लेकिन जो अकेले काम करेंगे और काम करते करते 2005 में मेरा पिताजी 53 इयर्स एज, एक हार्ट अटैक, 3 दिन में सब कुछ खत्म। सलानी जो 27-28 हजार आता था वो भी 0। बोलो समझ आ रहा है? और आज मेरा कुछ हो जावे ना, मेरे इंटर इंडिया में 3.5-4 लाख लोग महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर से लेकर बंगाल, उड़ीसा से लेके इंडिया के हर कोने में टीम है। मेरा कुछ भी हो जावे, मेरे परिवार में हफ्ते में 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल का 70 लाख, 70-75 लाख बोनस, एक फॉरेन ट्रिप आता जाएगा। अरे समझ आ रहा है? लोग जीवन बीमा करते हैं ना, जीवन बीमा वाले क्या समझाते हैं, आप साल में इतना पैसा रखिए तो 20 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होगा, इतने पैसा मिलेगा, और इस बीच में कुछ हो जावे तो परिवार में एक बीमा राशि मिल जावे, 5 लाख 10 लाख, मिडिल क्लास लोग इतने की करते बीमा, यस और नो? जीवन बीमा हर साल पैसे भरो, कुछ हो जाएगा फैमिली को, उस अंधे बंदे को, तो मिलेगा कितना? एक बार स्मार्ट वैल्यू, एक बार पैसा खर्च करो और 3-4-5 साल ढंग से टाइम दे दो, कुछ आपको भी हो जावे तो परिवार को पैसा आएगा, हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार, साल में 52 बार, जिंदगी में 12 बार। हम लोग स्मार्ट वाले को बोलते हैं, जिंदगी का साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यस और नो? यस नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, लोग अगर बीमा कराते हैं उससे पहले ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बीमा कोई एक बार देगा।